Welcome back, my dear kids, with another chapter of our science book by Brain Root series. The name of our book is Science Spark Class 2 और हमारे chapter का नाम है Keeping Safe. आज हम chapter number 7 start करेंगे. तो चलिए start करते हैं अपना chapter. In this chapter, we will learn about different safety rules. हम इस चैप्टर में सुरक्षा के कुछ नियमों के बारे में पढ़ेंगे कि हमें वो रूल्स कहाँ कहाँ अपनाने चाहिए, जैसे एट द होम, इन स्कूल, एट द स्विमिंग पूल, ऑन द रोड, वाइल प्लेइंग, खेलते हुए, घर में, स्कूल में और स्विमिंग पूल के पास और यात्रा करते समय हमें कौन कौन से सुरक्षा के नियमों को अपनाना चाहिए. और हम इस चैप्टर में फर्स्ट एड के बारे में भी पढ़ेंगे कि फर्स्ट एड क्या होती है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, फर्स्ट वी हैव टू डू वार्म अप एक्सरसाइज. चलिए समझाते हैं क्या करना है आपको इसमें. पुट अ टिक राइट मार्क ऑन द चाइल्ड फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स एंड अ क्रॉस मार्क ऑन द चाइल्ड नॉट फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स. यहाँ पे कुछ बच्चों की पिक्चर्स दी हुई हैं. जो बच्चे सेफ्टी रूल्स को फॉलो कर रहे हैं उनके पर आपको टिक का निशान लगाना है, और जो सेफ्टी रूल को फॉलो नहीं कर रहे, लापरवाही कर रहे हैं, उन पर आपको क्रॉस का मार्क लगाना है. केयरलेसनेस कैन कॉज एक्सीडेंट्स. यू शुड ऑलवेज बी केयरफुल एंड फॉलो सम सिंपल सेफ्टी रूल्स. दुर्घटना कैसे होती है? जब हम कोई लापरवाही करते हैं. लेकिन हमें एक्सीडेंट मतलब किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए क्या करना चाहिए? कुछ सेफ्टी रूल्स को, सुरक्षा के नियमों को हमेशा अपनाना चाहिए. दीज आर, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से सुरक्षा के नियम हैं. सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी कि घर में हमें कौन कौन से सुरक्षा के नियमों को अपनाना चाहिए. डू नॉट लीव योर टॉयज ऑन द फ्लोर, समवन मे स्लिप ओवर देम, ऑलवेज कीप देम इन अ टॉय बॉक्स. आप सबके पास खिलौने होते हैं, तो क्या करते हैं कुछ बच्चे, खेलने के बाद अपने खिलौनों को फर्श पर ही छोड़ देते हैं. लेकिन हमें उन्हें फर्श पर नहीं छोड़ना चाहिए. उससे क्या होगा कि टॉय पर किसी का पैर आएगा और वो क्या हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा. तो हमेशा खेलने के बाद अपने टॉयज को टॉय बॉक्स में रखना चाहिए. डू नॉट प्ले विद मैचस्टिक और फायर, हमें माचिस और आग के साथ नहीं खेलना चाहिए. डू नॉट लाइट अ फायर और फायर क्रैकर्स ऑन योर ओन, कभी भी अकेले ना तो आपको पटाखे जलाने चाहिए और ना ही आग जलानी चाहिए. डू नॉट प्ले विथ शार्प और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट सच एज नाइफ्स एंड सीजर. कभी भी बच्चों आपको तेज धार वाले और नोकीले औजारों से नहीं खेलना चाहिए, जैसे चाकू और कैची, इनसे नहीं खेलना चाहिए. डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स, प्लग्स एंड स्विचेस, टचिंग देम मे गिव यू एन इलेक्ट्रिक शॉक. कभी भी आपको बिजली की तारों और स्विच या फिर प्लग को नहीं छूना चाहिए. उससे क्या होगा, आपको बिजली का झटका लगेगा, मतलब करंट लग सकता है. नेवर लीन ओवर अ बालकोनी रेलिंग, कभी भी बालकोनी की रेलिंग से नीचे नहीं झांकना चाहिए. क्या होगा, अगर आप ज़्यादा झांकेंगे तो आप नीचे गिर सकते हैं. Never take medicines on your own. कभी भी अपने आप कोई सी भी दवाई नहीं लेनी चाहिए. हमें हमेशा दवाई डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए. Now I will tell you which safety rules you have to follow in the school. It is unsafe to run around in the classroom. You may hurt yourself or your friend. कभी भी आपको क्लास में चारों तरफ चक्कर या घूमना नहीं चाहिए. उससे या तो आपको चोट ले सकती है या फिर आपके फ्रेंड्स को. ऑलवेज बी केयरफुल वाइल गोइंग अप एंड डाउन ऑन द स्टेयर्स. स्टेयर्स का मतलब होता है सीढ़ियाँ. हमेशा सीढ़ियों पर चढ़ना और उतरना सावधानी के साथ चाहिए.
Never jump on the decks and chairs. You may get hurt. कभी भी टेबल चेयर पर नहीं कूदना चाहिए, उससे क्या होगा, आपको चोट लग सकती है. Now we will learn safety rules which we have to follow while playing. खेलते समय कौन कौन से सुरक्षा के नियमों को अपनाना चाहिए. Do not push or pull others while playing. कभी भी खेलते हुए दूसरों को धक्का नहीं देना चाहिए. On swings, hold on to the swing support. Do not go too near the swing when someone else is swinging. जब भी आप झूला झूलें, तो आपने देखा है जब आप झूला झूलते हैं तो उसके चारों तरफ पाइप्स होते हैं, तो जो भी सपोर्ट होता है आपको उसको पकड़ना चाहिए. सपोज कोई झूला झूल रहा है तो आपको उसके पास नहीं जाना चाहिए, उससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए. While climbing on the slide, hold on the railing so that you do not fall. जब भी आप स्लाइड्स पर चढ़े तो आपको उसकी रेलिंग को पकड़ना चाहिए, जिससे कि आप नीचे ना गिर सके. Now we will learn safety rules which we have to follow at the swimming pool. तैरते समय हमें कौन कौन से सुरक्षा के नियम अपनाने चाहिए. Never swim in deep water in the पूल. कभी भी हमें गहरे पानी में नहीं तैरना चाहिए. नेवर गो फॉर स्विमिंग अलोन. कभी भी अकेले तैरने नहीं जाना चाहिए. अगर आप कभी भी स्विमिंग के लिए जाते हैं तो अपने किसी एल्डर को अपने साथ लेके जाइए. वियर अ प्रॉपर कॉस्ट्यूम एंड यूज अ स्विमिंग ट्यूब व्हाइल इन द पूल. जब भी आप तैरने के लिए जाएं तो प्रॉपर कॉस्ट्यूम और आपको स्विमिंग ट्यूब, मतलब एक टायर होता है जो स्विमिंग करते समय हम यूज़ करते हैं, आपको उसका इस्तेमाल करना चाहिए. नाउ व्हाइल ट्रैवलिंग विच सेफ्टी रूल्स वी हैव टू फॉलो. यात्रा करते समय आप सब अपनी नानी दादी चाची या चाचा के घर जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने को यात्रा करना. तो यात्रा के दौरान हमें कौन कौन से सुरक्षा के नियम अपनाने चाहिए. ऑलवेज स्टैंड इन अ लाइन व्हाइल वेटिंग फॉर द बस. जब भी आप बस का वेट करें तो किसमें करना चाहिए, लाइन बनाकर. गेट इन और आउट ऑफ द बस व्हेन इट स्टॉप. जब बस रुके तभी आपको उसमें चढ़ना चाहिए और उतरना चाहिए. डू नॉट पुट योर आर्म आउट ऑफ अ मूविंग बस. चलती बस से कभी भी अपना हाथ बाहर मत निकालिए, वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है. डू नॉट लीन आउट ऑफ द बस, यू मे गेट हिट बाय अ मूविंग व्हीकल. कभी भी चलती बस से बाहर नहीं झांकना चाहिए या बाहर, या कई बार क्या होता है कुछ लोग डोर स्टेप पे खड़े हो जाते हैं दरवाजे पर और बाहर की तरफ गिरते हैं, तो उससे क्या होगा, आपको चोट लग सकती है. दूसरे व्हीकल जो सड़क पर जा रहे हैं उनसे आपको चोट लग सकती है. डू नॉट डिस्टर्ब द बस ड्राइवर. कभी भी बस ड्राइवर को हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका ध्यान कहाँ होता है, बस चलाने में. डू नॉट फाइट और शाउट इन द बस. बस में लड़ाई झगड़ा या हमें चीखना चिल्लाना नहीं चाहिए. गेट इन टू द बस वन बाय वन. एक एक करके बस में चढ़ना चाहिए और बस से उतरना चाहिए. नाउ टाइम टू टेस्ट योर स्किल. चलिए जल्दी से आपका एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं. री राइट द गिवन स्टेटमेंट्स करेक्टली. यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं लेकिन उसमें क्या है, कोई ना कोई मिस्टेक है, आपको उस मिस्टेक को ठीक करना है. नंबर वन, नाइफ्स ब्लेड्स एंड सीजर्स आर हॉट ऑब्जेक्ट्स. ये हॉट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सब शार्प ऑब्जेक्ट हैं. तो हम लिखेंगे SHARP, शार्प. किसकी जगह, हॉट की जगह हम शार्प ऑब्जेक्ट्स लिखेंगे. नंबर 2, 3, 4 यू विल डू बाय योर सेल्फ. नाउ आई विल टेल यू सम अदर सेफ्टी रूल्स. डू नॉट ईट लीव्स और फ्रूट्स यू डू नॉट नो. जिस फल या पत्तियों को आप नहीं पहचानते हैं उनको नहीं खाना चाहिए. ये नहीं कि पेड़ पर कोई सी भी पत्ती लग रही है, आपने उसको तोड़ा और चबा लिया,
यह आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। नेवर शाउट इन टू योर फ्रेंड्स ईयर, इट कैन डैमेज हिज ईयर। कभी भी अपने दोस्तों के कानों में नहीं चिल्लाना चाहिए, उससे उनके कान के पर्दे फट सकते हैं और उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। डू नॉट टीज स्ट्रे एनिमल। जो भी सड़क पर जानवर चल रहे हैं या सड़क पर जानवर होते हैं उन्हें चिढ़ाना नहीं चाहिए, या सड़क पे कोई जानवर जा रहा है तो उसे छेड़ना नहीं चाहिए। क्या होगा अगर कोई जानवर को इंजेक्शन नहीं लगे हैं या वो पागल है तो वो आपको काट सकता है और आपको नुकसान पहुंच सकता है। डू नॉट कवर योर फेस वाइल स्लीपिंग। जब भी आप सोएं तो अपना पूरा मुंह ढककर नहीं सोना चाहिए, उससे हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ आई विल टेल यू अबाउट फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होती है? इफ समवन गेट्स हर्ट, कॉल और इंफॉर्म एन एडल्ट एज क्विकली एज पॉसिबल। अगर कभी किसी को चोट लग गई तो सबसे पहले आपको किसी बड़े को या फिर किसी डॉक्टर को इंफॉर्म करना चाहिए। द इमीडिएट हेल्प दैट एन इंजर्ड पर्सन गेट इट्स नोन एज फर्स्ट एड। अगर किसी को चोट लगी तो हमने उसको सबसे पहले जो ट्रीटमेंट दिया उसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट एड कहते हैं। इफ अ पर्सन इज बैडली हर्ट, शी और ही मस्ट बी टेकन टू अ डॉक्टर आफ्टर फर्स्ट एड। अगर कभी किसी को ज़्यादा चोट लग गई है जिसका उपचार हम नहीं कर सकते तो हमें उसे फटाफट फर्स्ट एड देनी चाहिए और डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स क्या है? फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। वी मस्ट हैव अ फर्स्ट एड बॉक्स एट होम एंड इन स्कूल। हमारे घर में और स्कूल में फर्स्ट एड बॉक्स हमेशा होना चाहिए। अ फर्स्ट एड बॉक्स हैज़ कॉटन बैंडेज, प्लास्टर, अ पेयर ऑफ सीजर, सम मेडिसिंस, एंटीसेप्टिक लोशन एंड एंटीसेप्टिक क्रीम। एक फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होना चाहिए? उसमें कॉटन, डिटॉल, बैंडेज, एंटीसेप्टिक क्रीम, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो चलिए अब जल्दी से चलते हैं हम फ्लैशबैक में। ऑलवेज फॉलो सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड एक्सीडेंट और मिसहैप। एट होम यू शुड बी केयरफुल अबाउट शार्प ऑब्जेक्ट, स्विचेस एंड हॉट यूटेंसिल। हमेशा नोकीली तेज धार वाली चीज़ों से आपको केयरफुल रहना चाहिए और गर्म चीज़ों से भी। कभी भी किसी गर्म बर्तन को बिना किसी प्रिकॉशंस के नहीं छूना चाहिए। वाइल प्लेइंग ऑन द स्लाइड्स एंड स्विंग्स यू शुड बी वेरी केयरफुल। हमेशा झूला झूलते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। ऑन द रोड यू शुड बी केयरफुल वाइल वॉकिंग एंड क्रॉसिंग द रोड। इफ यू गेट हर्ट यू शुड इंफॉर्म एन एडल्ट। अगर कभी आपको चोट लग जाए तो आपको अपने बड़ों को इंफॉर्म करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि मुझे चोट लगी है। उससे क्या होगा? वो आपको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे या उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएंगे। नाउ टाइम टू डू सम एक्सरसाइज। चलिए कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं जो हमारे लेसन पर बेस्ड हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज है टिक द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन पे टिक का निशान लगाइए। टू बी सेफ ऑन द रोड वी शुड वॉक ऑन द। सड़क पर सावधानी बरतने के लिए हमें किसका प्रयोग करना चाहिए या फिर किस पर चलना चाहिए? जेब्रा क्रॉसिंग, सबवे, फुटपाथ या रन अबाउट। तो हमें हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए, तो हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नाउ नंबर टू, डू नॉट प्ले विद। हमें किससे नहीं खेलना चाहिए? मैच स्टिक, बॉल, टेडी बियर या बैट। हमें मैच स्टिक से नहीं खेलना चाहिए, माचिस से नहीं खेलना चाहिए। नंबर थ्री एंड नंबर फोर यू विल डू बाय योरसेल्फ। नाउ एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक विद द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनकी हेल्प से आपको फिल इन द ब्लैंक्स करनी है, मतलब खाली स्थान भरने हैं। नंबर वन, इफ योर टॉयज आर लाइंग अराउंड यू मे डैश ओवर देम। अगर आपके खिलौने
फर्श पर बिखरे हुए हैं तो क्या होगा, यू मे स्लिप, SLIP, स्लिप ओवर देम, आप गिर सकते हैं। नंबर टू, वियर डैश क्लॉथ वाइल बस्टिंग क्रैकर, कभी भी जब भी आप पटाखे जलाएं तो आपको कैसे कपड़े पहनने चाहिए, सिल्क या कॉटन, हमें हमेशा कॉटन क्लॉथ पहनने चाहिए, COTTON, कॉटन। ऑलवेज गो विथ एंड डैश टू द स्विमिंग पूल, हमें स्विमिंग पूल में किसके साथ जाना चाहिए, पेट के साथ या एडल्ट के साथ, हमें हमेशा एडल्ट के साथ जाना चाहिए, अपनों से बड़ों के साथ। नंबर फोर एंड फाइव, यू विल डू बाय योरसेल्फ। नाउ एक्सरसाइज सी, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर वन, डू नॉट डिस्टर्ब द पर्सन हु इज ड्राइविंग द व्हीकल, जो इंसान किसी भी वाहन को चला रहा है हमें उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, बताइए ये सही है ये गलत है, ये बात बिल्कुल सही है तो हम इसके लिए लिखेंगे ट्रू। नंबर टू, ऑलवेज गो इनटू द डीप वाटर, हमें हमेशा गहरे पानी में ही जाना चाहिए, किस लिए, स्विमिंग के लिए, क्या ये बात सही है, नो दिस इज इनकरेक्ट, तो हम यहाँ लिखेंगे फॉल्स, FALSE, फॉल्स। नंबर थ्री, वन शुड ऑलवेज बी केयरफुल ऑन द रोड, हमेशा सड़क पर सावधानी बरतनी चाहिए, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, सो वी विल राइट TRUE, ट्रू। नंबर फोर एंड फाइव, यू विल डू बाय योरसेल्फ। नाउ एक्सरसाइज डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब बच्चों आप एक बार अच्छे से फिर अपने चैप्टर को रिवाइज करेंगे एंड एक्सरसाइज डी यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। इन दिस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट सो मैनी डिफरेंट सेफ्टी रूल्स and we have learned about first aid box. I hope you like this video. Stay tuned for next video. Till then, take care. Bye-bye.